एक सेकंड बस जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप आते हैं हमारे टॉपिक हुक की तरफ। व्हाट इज हुक? हुक क्या है? हुक इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है ये हुक है। हुक क्या है? हमारे ये रियल लाइफ चीजों पे एग्जिस्ट करती है। इसमें हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस के साथ हम काम कर देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे रियल लाइफ में जो चीजें एग्जिस्ट करती है, लेट्स सपोज एक गाड़ी है। गाड़ी हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, वो एक ऑब्जेक्ट है। डॉग है, डॉग की कुछ स्पेसिफिकेशन होंगी, वो एक ऑब्जेक्ट है। मीनवाइल हम ह्यूमंस है, हम ह्यूमंस भी प्रोग्रामिंग में एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के कुछ बिहेवियर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। लेट्स सपोज एक डॉग है, उसका कुछ बिहेवियर है, वो बार्क करता है। उसके खाने के लिए कुछ फीड्स होती हैं, उसकी कुछ एज होती है। ठीक है, और उसका कुछ हल्का सा फुल्का बिहेवियर होता है कि मतलब वो थोड़ा सा गुस्से वाला है या नॉर्मल है, बड़ा बड़ा है, जो पोलाइट नेचर है। ठीक है, सेम एज इट हम ह्यूमन है। हम ह्यूमन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारा CNIC होता है। क्लियर है? जी सर। चीजों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है? मैं क्योंकि उर्दू में इंग्लिश में लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी, इसलिए मैं इस चीज को मैं बिल्कुल वैसे जो नॉर्मली टीचर्स में होता है कि वो वैसे जो स्लाइड्स होती हैं वो वैसे ही पढ़ के तो उनको बता देते होते हैं, मैं इसलिए उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से अच्छे से क्लियर समझ आ जाए। ठीक है? जी सर। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट हमारी रियल लाइफ में लाया, अपने हम पर्सन्स की एग्जांपल दे रहा था। पर्सन्स हम पर्सन्स है, हम कुछ खाना खाते हैं, हमारी कुछ एज होती है, हमारी कुछ नाम होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है। क्लियर है? ठीक यस है। सर। ओके, तो इसके बाद आ जाते हैं जी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एब्स्ट्रैक्शन होती है, इनकैप्सुलेशन होती है, मैसेज पैसिव होता है। ठीक है, तो अब मैं अब्स्ट्रैक्शन को मैं रफली बता रहा हूँ, बाकी जो डिटेल है वहां पे यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जस्ट हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ कि ये क्या चीज होती है, ताकि आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है? जी सर। ओके, तो अब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? अब्स्ट्रैक्शन में ये होता है कि हम अपना डेटा जो है ना, मतलब एक क्लास में एक चीज अवेलेबल है, वो क्लास हम दूसरे, वो डेटा हम उसके वेरिएबल्स जो है हम उसको पब्लिकली कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते, ये हमारी अब्स्ट्रैक्शन होगी। ठीक है? जी सर। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन हम अपना डाटा जो है ना कैप्सूल के अंदर बंद कर देते हैं। मीनवाइल वो क्लास की दो ब्रैकेटें होती है, उसके अंदर हम अपना डाटा बंद कर देते हैं, सिर्फ जरूरत की चीज जो होती है हम सिर्फ वो शो करवाते हैं, वो इनकैप्सुलेशन होती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस विच यू शो ओनली रेलिवेंट डेटा। अब रेलिवेंट डेटा जो है वो दिखाते हैं, अननेसेसरी चीजें जो है अपनी हाइड कर देते हैं। इनकैप्सुलेशन मीन्स बाय बाइंडिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को बाइंड करके एक दूसरे के साथ हाइड कर देते हैं, पता नहीं चलता। ठीक है, यस सर। तो मैसिव पैसिव ये होते हैं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट इटसेल्फ में नॉट बी यूजफुल, यानी कि वो खुद यूज नहीं होता, लेकिन उसके एप्लीकेशन में उसका किसी डिफरेंट ना डिफरेंट जगह पे हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्लास ओके। का, क्लास का ऊप में क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली क्लास हमारा ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट इन अ सेंस आप बोले, हमने घर अगर एक बनवाना है तो सबसे पहले हम किसी सिंपली तो हम अपना वैसे नहीं स्टार्ट कर सकते ना, हमें कोई ना कोई एक माइंड में स्केच होता है, या हम किसी नक्शे वाले के पास जाते हैं। ओके सर। ठीक है, तो वो जो हमारा, वो जो नक्शे वाला जो हमारा नक्शा बना के देता है ना, एक्चुअली में वो हमारा ब्लूप्रिंट होता है। जी सर। ठीक है, उस ब्लूप्रिंट को फिर हम यूज करते हुए हम अपना घर बनवाते हैं। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसको प्रोग्रामिंग में हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, ये एक एप्लीकेशन है, वो अगर हम आपको शो हो रही है, यूजर को शो हो रही है, तो उसको उसको वेरिएबल्स तो नहीं शो हो रहे होंगे। नहीं सर। बेसिकली जो हम अपना दिखाना चाहते हैं, सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक जो टेक्स्ट है, ये इस तरह की चीजें, वो ही शो हो रही होती, वेरिएबल्स तो नहीं शो हो रहे होते। वो नहीं सर। जो वेरिएबल्स जो स्ट्रक्चर हम सेट करते हैं, वो हमारा ब्लूप्रिंट है। ठीक कोई क्वेश्चन? है। नो सर, क्लियर। क्लियर है? चले, अब हम आते हैं, जरा मैं जरा स्क्रीन यहाँ से शेयरिंग स्टॉप कर दूं। ओके, तो ये मैं जरा एक सेकंड, आज हमने इनकैप्सुलेशन वगैरह सारा अपना कवर करना है।
इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ जो है ये क्या हो गया है, एक सेकंड। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा आज इंटेलीजे को। नेक्स्ट से हम जूम पे ना कर लिया करें यार मीटिंग, उसकी रिकॉर्डिंग भी थोड़ी सी अच्छे वाली होती है। जी सर, नेक्स्ट पे मैं ट्राई करूंगा ना, आप आपकी जूम पे जो है ना वहां पे करें। जी स्क्रीन विजिबल है आप सबको, ये मैंने बड़ी भी कर दी। ठीक है जी सर, विजिबल। ओके, तो क्लास बनाने के, कोई बंदा जावा प्रोग्रामिंग में से होगा तो उसको थोड़ा सा पता होगा क्लास बनाने का, उसमें और तरीका होता है, इसमें और है। तो एक हम ये काम करते हैं यहाँ पे, इसके लिए कीवर्ड यूज होता है क्लास, क्लास। ठीक है, आगे हम उसका नाम रखते हैं। ये लाजमी याद रखना, क्लास का आपने फर्स्ट लेटर बड़ा लिखना है। ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक रूल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे स्मॉल भी लिखूं, लिखा जा सकता है, लेकिन हमने बड़ा लिखना है क्योंकि क्लास का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, और जो होता है हमारा मेथड उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो स्मॉल होता है। ये बात आपने याद रखनी है, क्लियर है? जी सर, जी सर। अच्छा, अब मैंने ये पर्सन कर दिया, पर्सन क्या है जी? पर्सन मेरी एक क्लास है। ठीक है, अब पर्सन में उसकी कुछ पर्सन की एज होगी, ये देखें, ये यहाँ पे एड लेट। ठीक है, अब लेट करके सारा को करते हैं, या इसकी कुछ लेट नहीं, हम इसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे के देखते हैं। ये भी एक मैं ट्राई कर रहा था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसको ये हम डिफॉल्ट देते हैं पहले। ठीक है, int name is equal to साथ लिख देते हैं, और ये डिफॉल्ट नेम हम एबीसी देंगे, एबीसी। ये नल सेफ्टी का फायदा है। जॉब क्या करता है जी, हम बोल देते हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब ऑब्जेक्ट हम किस तरह बनाएंगे, पर्सन पी आर इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, जैन ना सर से कीवर्ड बोल रहा है कि आप रिमूव कर दें, तो दूसरी प्रोग्रामिंग में हम न्यू कर सकते हैं, इसके अंदर हम न्यू के बगैर भी हम अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। नो सर, ओके। ठीक है, ये इसका एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, हम कोई भी अपनी डाटा टाइप जो है ना वो डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे ये स्टार्ट में लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। यस सर, स्टार्ट में हम अपनी डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं और आगे वेरिएबल का नेम आ जाता है, तो देन आगे उसको हम कोई ना कोई वैल्यू साइन कर देते हैं, ऐसे ही है। तो ये चीज देखने से हमें पता चला कि ये जो हमारी क्लासेस होती है, ये एक तरह से हमारी कस्टम डेटा टाइप्स होती है जो हम अपनी मर्जी से हम बना सकते हैं। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूं, पीआर, मैं पीआर करूंगा डॉट, तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी मुझे चीजें आ जाएंगी। लेट्स सपोज मैं जॉब करता हूँ, जॉब और ये सेमी कॉलन, तो देखते हैं मुझे ये क्या बताता है। तो
उसने बोल दिया कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज एज अ हैकर के व्यू से देखें तो ये एक अच्छी चीज है कि कोई भी हमारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर ले। जी सर, हैकर्स के व्यू से देखें कि मतलब हमारे नहीं सर, बिल्कुल अच्छी अप्रोच ये अच्छी अप्रोच नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपनी मर्जी से मैं वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। पीआर डॉट जॉब इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ शॉपकीपर। स्पेलिंगो की मिस्टेक हो सकती है, वो मेरा बड़ा मसला है, ठीक है। और दोबारा मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो पीआर डॉट जॉब, उसने क्या किया उसकी वो वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक मसला है। अभी हम देखते हैं कि हम इसको मसले को किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है जी सर। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकंड इसको मैं सारे को कमिट आउट कर दूं, फिर इसको हम अनकमिट कर लेंगे अपनी नीड के मुताबिक, ओके। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अपने इन वेरिएबल्स को क्या करेंगे, हाइड करेंगे, ठीक है। हाइड करने का क्या तरीका है, प्राइवेट कर देंगे, और डिफरेंट लैंग्वेज में प्राइवेट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या दे देता है, रिमूव अननेसेसरी फील्ड्स, सॉरी। अच्छा हमने इसको प्राइवेट कर दिया और ये कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, वो इसलिए बोल रहा है कि आप इनको रिमूव कर दे, भी हम इसको आगे यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ये ऑब्जेक्ट इसका अनकमिट करता हूँ, ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ पीआर डॉट एज। यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, ये भी मैं बताता हूँ ये सजेशन क्यों दे रहे हैं। अभी एक रीजन है, इसका रीजन ये है कि ये हमारी सेम इसी क्लास के अंदर अवेलेबल है, इसलिए ये यहाँ पे हमें सजेशन दे रहा है। अदरवाइज हम किसी और फाइल में इसको रख देंगे तो ये हमें सजेशन नहीं देगा, ठीक है। ये यानी कि हम इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लास के अंदर ही। मेरी बात है कि अभी हम ये एक फाइल पे, इसलिए हम इसको एक्सेस कर ले। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू बनाता हूँ डॉट फाइल, इसका नाम रख देते हैं सॉरी, ठीक है। और ये वाला कोड जो है हम यहाँ से करते हैं कट, और यहाँ पे करते हैं हम पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने लाना किस तरह है, वो यहाँ पे बोल रहेगा इम्पोर्ट, ये हमने इसको कर दिया इम्पोर्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये हमें एक्सेस देता है कि नहीं, पी आर डॉट कुछ भी नहीं बचो करेगा, क्लियर है। वो उसी क्लास उसी पेज पे थे हम, इसलिए मैं वो सजेस्ट कर रहा था कि आपका प्राइवेट है, आप उसी पेज पे, तो आप मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, ठीक है। जब हमने उसकी फाइल चेंज की तो उसने बोला कि सॉरी भाई आपको एक्सेस नहीं है, क्लियर है जी सर, क्लियर, ओके। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा वैसे ये हम प्रिंट करवा के देखें, ये पीआर क्या है, इसके अंदर पीआर के अंदर क्या स्टोर है, इंस्टेंस ऑफ पर्सन। इंस्टेंस ऑफ पर्सन मतलब ये क्या है, ये पर्सन की एक क्लास का जो है ना वो वेरिएबल है, ओके सर जी सर, ओके यस सर। तो अभी हम क्लास की तरफ मूव होते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया सबको, ये सॉरी क्लास थोड़ी स्मॉल इसको बड़ा कर देते, ठीक है, क्लियर। अब विजिबल है सबको, यस सर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ सेट चीजों को सेट करेंगे और उसको गेट करेंगे। अब लेट्स सपोज मैंने एज को सेट करना है, ये मैं डिक्लेयर करूंगा बॉडी टाइप है सेट एज, और इसके अंदर क्या आ जाएगी, इंट टाइप का एज क्या लेगा, वेरिएबल लेगा एज, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे, ये भी मैं बताता हूँ, एज ही लिख लेंगे, और एज इज इक्वल टू एज, ठीक है, क्लियर है जी सर। सेम एज इट मैं इसको ऐसे ही करूंगा, एक सेकंड,
कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जिसमें ये सजेस्ट करता था क्लास है, पता नहीं यहाँ पे किस तरह है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक सेट एज था, दूसरा सेट नेम कर लेते हैं। सेट नेम में क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप जाएगा, इसको हम खोलते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, नेम इक्वल टू एज ही नहीं, एनएम कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, तो सेट जॉब कर लेते हैं, सेट जॉब, और जे भी कर लेते हैं, और इसके बाद क्या नाम है यहाँ पे हम पास कर देते हैं, जी क्लियर है, क्लियर है जी सर, जी सर, यस सर। ठीक है, ओके। तो एक सेकंड, यहाँ पे कौन आया, किसी ने एंड तो नहीं रेज किया था, ठीक है, क्लियर है यहां तक, यस सर क्लियर है, ओके अच्छी बात है अगर क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेटर है, इस तरह मैं इसको पूरे को क्या करूंगा, कॉपी, किसी ने क्या कर दिया कमेंट सेक्शन में, क्या क्वेश्चन किया है किसी ने कमेंट सेक्शन, मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये है गेटेज। अब गेटर के अंदर हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमने तो जस्ट वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न एज, ठीक है, ये यहाँ पे यूज होगी, अच्छा जी, ये एज के हमारी इंटीजर टाइप थी, तो यहाँ पे हम डाटा टाइप अपनी डिक्लेयर कर देंगे, ये स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे हम अपनी डेटा टाइप डिक्लेयर कर देंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है बताने के लिए कि हमें क्या चीज रिटर्न होगी, ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे मैं ये क्या कर दूंगा, नेम को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, ये भी एक स्ट्रिंग टाइप है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जॉब, ठीक है, ये सेटर गेटर बनते हैं। आप इसके अंदर ना भी बनाए तो डार्ट के अंदर खैर है, लेकिन मेरे मुताबिक ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जो आपको करनी चाहिए, वैसे भी फिर कूप का वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। चलिए चैट सेशन में देखते हैं, जॉब नेम हो गया, जॉब में नेम हो गया, अच्छा ठीक है, सॉरी आपने मुझे पॉइंट आउट किया यहाँ पे नेम हो गया, ठीक है, गेट नेम और जॉब में नेम की बजाय हम करेंगे जॉब, ठीक है, ओके, थैंक यू आपको बताने का, इसको करते हैं अब क्लोज, ठीक है। अब हम वहां पे अपनी मेन क्लास में जाते हैं, यहाँ पे अब हम कुछ चीजें प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट पीआर डॉट, अब ये देखें यहाँ पे वो मुझे, जब मैंने डॉट किया था वो मुझे सजेशन में बता रहा है कि कुछ चीजें आप सेट कर सकते हैं और उनको आप क्या कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है जी सर, ओके। तो क्या करता हूं मैं यहाँ पे, पहले मैं एक दफा गेट एज करके देखता हूँ मुझे एज में क्या मिलता है, फिर इसके बाद हम करते हैं br डॉट सेट एज, और एज में दे देता हूँ 20, और यही लाइन हम दोबारा कॉपी करके पेस्ट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो चेंज होती है कि नहीं होती, अभी हमें पता चल जाता है, नहीं होती तो ठीक है, क्लियर है, यस सर। पहले उसने क्या, मेरी एज डिफॉल्ट थी 12, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एज को अपडेट किया, तो मेरी क्या वैल्यू आ गई, 20। अब हम ये करते हैं, सारे काम करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं
एक स्ट्रिंग टाइप का, टू स्ट्रिंग है इसको बोलते हैं, ये ओवरराइड करते हैं हम, ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हमें कंपाइलर क्या करता है ये देता है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिटर्न करता हूँ सारा कुछ, ठीक है, ताकि जब हम टू स्ट्रिंग को करें तो वो हमारी सारी वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा दे, ठीक है जी सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया था ये बहुत अच्छा है, द यूजर द नेम कर देते हैं, द नेम इज नेम बैक स्लैश एन एज इज एज बैक स्लैश एन, ठीक है, द जॉब इज यहाँ तक मैंने जो लिखा वो क्लियर है सर। ये टू स्ट्रिंग फंक्शन की यूज किया आपने, टू स्ट्रिंग इसके अंदर हमें आ रहा है एक ये मेथड है बाय डिफॉल्ट, ये कंपाइलर हमें देता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि डाटा जो है हमारा कोई भी चीज हम स्ट्रिंग जो है वो हम रिटर्न कर सकते हैं, जिसको हमने ओवरराइड किया क्योंकि हमें इसका ये ऑलरेडी मेथड एग्जिस्ट है, तो इसके अंदर कुछ और चीजें ये हमें रिटर्न कर देता है, तो इसको हमने ओवरराइड कर दिया है। ओवरराइडिंग अगर आप ऊप के कॉन्सेप्ट से हैं तो अब ओवरराइडिंग क्या होती है ये हम आगे अभी पढ़ेंगे कि ओवरराइडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होती है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जी सर। तो अभी बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में आप लोगों को बताया जाए कि ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, नहीं अभी नहीं, कल वाले लेक्चर में होगा आपका, सॉरी, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, ठीक है, आज वाले लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं। यस सर। ओके, तो ये सारी चीजें मैं जरा डिलीट कर दूं ताकि अच्छे से काम हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं पहले प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट br डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो देखते हैं ये मुझे क्या देते हैं, ये इसने मुझे कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, br डॉट सेट नेम, नेम के अंदर मैं क्या राम रख देता हूँ, रिजवान रख देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर बताए थे, मैंने आपको कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर में बताया, वेब आर्गुमेंटम कितने, कौन 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 से हमारे पास जो है वो आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं, कितने टाइप के हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं सर, एक डिफॉल्ट होते हैं और एक पैरामीटराइज होते हैं। पैरामीटराइज्ड कौन कौन से, पैरामीटर में भी मैंने डार्ट में आपको दो टाइप के बताए थे, नेम नेम कंस्ट्रक्टर, हाँ, एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर होता है और एक दूसरा होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने कौन सा यूज किए, आपने ऊपर में नेम में नेम वाला यूज किया, नीचे सारे नेम वाले यूज हो रहे हैं मेरे यार, मैंने नेम तो यूज ही नहीं किया, कहीं पे लिखा आ रहा है नेम इज इक्वल टू, नहीं आप ऐसा लिखा आ रहा है, नहीं सर, फिर मैंने जस्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर यूज किया है जी सर। अब मैं करता हूँ पीआर डॉट टू स्ट्रिंग, ये टू स्ट्रिंग वाले मेथड ने क्या काम किया, मुझे जितनी भी वो जो मैंने वैल्यू दी है वो उसने, सॉरी यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं और प्रिंट, अब ये अच्छा लगे थोड़ा सा, ये अब क्लियर है, ओ सॉरी नेम की जगह कुछ और हो गया, क्लीनर्स नेम जॉब बाय डिफॉल्ट आ गई है, एक है चीज हो गई, यहाँ पे सेटर्स में इशू है, कॉपी पेस्ट किया था, नेम इज इक्वल टू nm, ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी नेम था, नेम नहीं आना था यहाँ पे, आना जॉब, भाई मैं बोल रहा था सेटर में थोड़ा सा इशू हो गया था, एज इज इक्वल टू एज, नेम इज इक्वल टू nm, और ये
जो अब ठीक है, अब इसको हम चलाते हैं। ठीक है, अब ये देखे मैंने जो वैल्यूज इसको न्यू दी थी तो वो उसने क्या कर दी है, सेट कर दी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब ये देखे पर्सन जो है ये हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही है? जी सर। ठीक है, तो पर्सन जो हमारे रियल, अभी इसके कुछ मेथड्स हैं, ये कुछ जॉब, मतलब ये एक तरह का इसका ये मेथड ही है ना हमारा, ये जो है ये इसकी एज क्या है, इसके कुछ नाम है, इसकी कुछ जॉब है, और जॉब के आगे फिर आगे कंटिन्यू फर्दर होता है, उसकी कुछ सैलरी होगी, कुछ और चीजें होंगी, ऐसे ही है? जी सर। यस बिल्कुल। तो ये हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंट होती है, ये हमारी होती है रियल लाइफ में। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर, सब वो सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। और क्लियर, जब आपको असाइनमेंट मिलेगी तो आपको करनी पड़ेगी, आप लोग सब जो है इंशाल्लाह कल आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगी। जी सर, बल्कि मैं आज एक पोस्ट करता हूँ एंड ऑफ द लेक्चर, आप लोगों को दूंगा वो लिंक, आप लोगों को मैं बल्कि क्लासरूम में पेस्ट कर दूंगा, उस लिंक पे जाके आप लोगों ने बताना होगा कि आप एक कूप का छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ छोटा सा, तो वो छोटा सा प्रोजेक्ट आप मुझे फिर सबमिट भी करवाएंगे। डार्ट जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों को ना इश्यूज आ रहा था डार्ट का, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग फ्लटर के साथ डार्ट को थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, मैं आपको एक सेकेंड स्टॉप दी प्रेजेंटिंग, मैं आप लोगों को साथ में थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं। ठीक, यहाँ पे आपको टूल्स का फोल्डर नजर आ रहा है? जी सर। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ ना तो इसके अंदर डॉट एसडीके पड़ा है, डॉट एसडीके नजर आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, मैंने डॉट का एसडीके जो है वो अलग से रखा हुआ है, और वो आपको कहां से मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, डॉट का एसडीके आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, वो फ्लटर के साथ तो आपको मिलता है लेकिन वो आप वैसे जिस तरह मैं ये यूज कर रहा हूँ आप इस तरह यूज नहीं कर सकते, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन आता है, वो फिर बाद में बोलते हैं कि सर ये या वो, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट भी जो है मैं वो शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड। मैं वेबसाइट एक दफा ओपन कर लूँ। एक मिनट बस मैं ये ओपन कर लूँ, डॉट एस डी के किस तरह करना है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी स्क्रीन विजिबल है? जी सर हो रही है। यस सर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्लटर के अंदर तो डॉट आपको एसडीके मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप डॉट एसडीके वैसे पर्सनली भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे आके करना है डाउनलोड। आवाज आ रही मेरी? जी सर। यहाँ पे आके आप लोगों ने करना है डाउनलोड, डाउनलोड करने के बाद उसको करेंगे अनजिप, अनजिप करने के बाद सी ड्राइव में जिस तरह आपने एसआरसी का फोल्डर बनाया था वैसे एक बनाएंगे टूल्स के नाम से, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे इन्होंने टूल्स वगैरह का वर्ड यूज किया होगा, मुझे नजर नहीं आ रहा, खैर मैंने यहाँ से ही पढ़ा था, तो यहाँ पे आप जो है टूल्स का एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, ठीक है? ठीक है सर। टूल्स के अंदर वो जो एक्सट्रैक्ट किया होगा ना डॉट एसडीके वाला फोल्डर, उसको आप यहाँ पे कट करके यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके सर। पेस्ट करने के बाद फिर आप इसका एनवायरनमेंट सेट करेंगे प्रॉपर जिस तरह आपने फ्लटर का किया था। जी सर। ठीक है, तो देन आपका जो डॉट एसडीके है वो चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। यस सर।
डार्ट एसडी का आपका जो पाथ होगा टूल होगा स्लैश होगा सी ड्राइव होगी स्लैश होगा टूल्स स्लैश डार्ट डार्ट एसडी के फिर स्लैश बिन बिन का फोल्डर आप ओपन करके वो वाला पाथ कॉपी करेंगे। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डार्ट वाले में फ्लटर के साथ भी आपको डार्ट मिलता है लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, वो सिर्फ फ्लटर के साथ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वैसे नहीं होता। ओके अभी क्लियर है? तो डार्ट का आप लोगों को बहुत ज्यादा लोगों को इश्यूज आता है वो फ्लटर वाले में रन करने की कोशिश करते हैं वो नहीं होता। तो आपने ये जो खाली प्योर डार्ट है इसका एसडीके आपने यहाँ से डाउनलोड करना है और इस जो मैंने बता रहा हूँ वैसे वो वाला पाथ कॉपी करेंगे और आप एनवायरनमेंट में जाके जैसे आपने फ्लटर का पाथ सेट किया था वैसे इसका पाथ आप सेट करेंगे देन फिर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये एग्जीक्यूट होगा। जी सर अभी क्लियर है इस चीज का डार्ट का आप सबको डाउट? यस सर क्लियर। होपफुली अब आपको ये इशू नहीं आना चाहिए। जी सर इंशाल्लाह। जी ये कोडिंग वाली स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अच्छा क्या मैं पढ़ा रहा था मुझे भूल गए। सर वो टू स्ट्रिंग का करवाया था आपने ना ओवरराइड करके। टू स्ट्रिंग करवाया था ठीक है। ओके तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अच्छा अब मैं इसमें देखता हूं कि ये मुझे अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं हर चीज को सेट करता जाऊं हर चीज को सेट करता जाऊं। ये मेरे मुताबिक एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर लेट्स सपोज 100 चीजें तो मैं 100 चीजों को मुझे बार बार ये डॉट सेट करना पड़ेगा। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। अब जो क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है एक उसके रूल्स हैं कुछ वो वॉइड टाइप का होता है उसमें हम कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है ओके सर ठीक है। और दूसरा वो कंस्ट्रक्टर जो उसका होता है क्लास का वो उसी नाम से होता है या जैसे ये पर्सन ठीक है। जी सर ओके। तो यहाँ पे अब मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट एच सॉरी यहाँ पे पहले मैं करता हूँ स्ट्रिंग नेम नेम के बाद एज आ जाती है और एज के बाद आ जाता है स्ट्रिंग जॉब। क्लियर है? यस सर। जी सर क्लियर है। इस डॉट यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा ये जॉब है तो यहाँ पे मैं जॉब का वेरिएबल पास कर दूंगा। ठीक है अब ये मुझे क्यों एरर दे रहा है? बस सेट डॉट कर दूंगा सेट एज के आगे में एज कर दूंगा पास। ठीक है सेट कर दूंगा और सेट करने के बाद मैं जॉब के एज होगी और नेम के बारे में यहाँ पे क्या का पास कर दूंगा नेम कर दूंगा। क्लियर है? जी सर क्लियर। ठीक है अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमें एरर देगा। एरर दे रहा वो बोल रहा है कि भाई इसमें तीन पोजिशनल वैल्यू जानी है और आप यहाँ पे जीरो दे रहे हैं। ठीक है okay. जब हमने देखा था अगर मैं इसको कमिट आउट कर दूं वो मेरा एरर नहीं देगा। इसका मतलब ये जो चीज हमें मिल रही है ये चीज जो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये हमें इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ जा रही है वो हमें कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ सेट करके दे रहा है। मतलब डार्ट वालों ने उन्होंने देखा कि ये अगर इशू करेगा अगर कोई यूजर यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करता तो वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कुछ ना कुछ सेट करके ऑटोमेटिकली गार्बेज कोई वैल्यू होगी वो इसके अंदर भेज देगा। क्लियर है? जी सर। लेकिन जब मैंने एक दफा इसको ओवरराइड कर दिया मतलब एक दफा मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया कि आप किसका ये मैंने कंस्ट्रक्टर मैंने इसका डिक्लेयर कर दिया तो फिर वो बोलेगा हाँ अब आप वैल्यू दो मुझे। तो अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ अली एज क्या होगी उसकी 15 20 कर देते हैं
और इसके बाद क्या होगा, शॉपकीपर, ठीक है। ये नीचे वाले काम को सारे को मैं कमिट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे अब हम प्रिंट करवा के देखते हैं। सॉरी, प्रिंट पीआर डॉट हिस्ट्री, ठीक है। मैंने जो वैल्यूज दी वो क्या किया उसने, सेट कर दी, ठीक है। अब मैं यहां पे दोबारा करता हूं, मैं पीआर करता हूं, पीआर डॉट नेम, नेम अली की बजाय मैं कर देता हूं। सर अगर टू स्ट्रिंग के अलावा इसको करेंगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा? उसके लिए मैं आपको बताता हूं उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम वो वाला मेथड अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। टू स्ट्रिंग के अलावा हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट पीआर डॉट टू स्ट्रिंग, यहां पे देखें अली था शॉपकीपर, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, उसके नेम की वैल्यू चेंज कर दी, बल्कि हम यहां पे जो है एक प्रिंट लगा के, ताकि आप लोगों को मोर विजिबल हो जाए और आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसका बाय डिफॉल्ट मैंने नेम क्या दे दिया था, अली दे दिया था, यहाँ पे चीजें देनी थी, और यहाँ पे मैंने उसका क्या नाम कर दिया, नेम चेंज कर दिया। मीनवाइल अब हमें पता चल गया कि हमारा जो एक तो वेरिएबल का डाटा है वो हम लोकली किसी को भी एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है जी सर। फिर दूसरा, हमने अननेसेसरी अब्स्ट्रैक्शन भी देख लिया, हमने अननेसेसरी चीजें हाइड कर दी है। लेट्स सपोज मैंने नेम नेम की वैल्यू कहीं पे चेंज करनी है, तो सिर्फ मैं नेम को कॉल करूंगा और मैं किसी चीज को कॉल नहीं करूंगा। ओके सर, क्लियर है। चलो अब ये टू स्ट्रिंग वाला इशू है, अब हम ये टू स्ट्रिंग वाले को क्या काम करते हैं, अब हम इसको कमिट आउट कर देते हैं, ठीक है। इधर ये एरर आ जाएगा, आता तो चाहिए, किधर गया, हाँ सही, एरर नहीं आएगा इसका, एरर क्यों नहीं आएगा, अभी हम इसको देखते हैं टू स्ट्रिंग के साथ, ये हमें प्रिंट करके क्या देते हैं, इंस्टेंस ऑफ पर्सन, इंस्टेंस ऑफ पर्सन। अब क्या चला गया, वो टू स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट पे चला गया जिसको हमने ओवरराइड किया था, क्लियर है? यस सर, यस सर। यानी कि जब हमने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड नहीं किया था तो वो उसके डिफॉल्ट कुछ वैल्यू इन्होंने स्टोर करवाई थी, अब क्या किया उसने, वो डिफॉल्ट वैल्यू पे चला गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, वाई टाइप का फंक्शन बनाते हैं, इसमें कहते हैं यूजर डिटेल, ये कह रहे हैं ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये वाला काम जो है अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फेंक देंगे प्रिंट में, और यहाँ पे ये कर देंगे सेमीकोलन, ठीक है, विजिबल है जी सर। इसको 16 अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि पहले हम प्रिंट टू स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करवा रहे थे, अब हम इसको ये डिलीट कर देते हैं, ये भी हम कर देते हैं डिलीट। अब हम क्या करेंगे, पीआर डॉट यूजर प्रिंट, अब हम मुझे बार बार वो जो वैल्यूज है वो प्रिंट करवाने के लिए जो टू यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन ही लिखना पड़ेगा, तो उसने मुझे क्या किया, वो वाली वैल्यू जो है प्रिंट करवा दी, ठीक है। Okay, वो जो टू स्ट्रिंग का मेथड था वो उसमें क्या कर रहा था, मैं स्ट्रिंग रिटर्न करवा था, और वो जो वैल्यू मुझे रिटर्न करवा रहा था उसको मैं सेव करवा रहा था। अच्छा, एक सिचुएशन ये है, प्रिंट यार मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, मुझे बंदे की सिर्फ ए चाहिए और किसी चीज से मुझे कंसर्न नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, गेट एज करूंगा बस, तो मुझे मेरी एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यस सर, ये देखें ये मुझे एज क्या है वो मुझे मिल गई, ठीक है। यस सर, परफेक्ट जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर,
नो सर। ओके अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास 50 स्टूडेंट है, तो फिर मैं क्या करूंगा, 50 स्टूडेंट्स के लिए मैं डिफरेंट 50 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। 50 ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है इसके अंदर। लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन। ठीक है, पर्सन की लिस्ट भी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? सर हो सकती है। यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ठीक है, बल्कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा पर्सन की लिस्ट, मतलब पर्सन के ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पर्सन नेम, नेम मैं दे देता हूँ अली, एज में दे देता हूँ 20, और जॉब दे देता हूँ एक, मैं दे देता हूँ क्लीनर। ठीक है, ये अली के बाद इसको नाम दे देते हैं नवाज, दे देते नेम। एक्सक्यूज मी जी, सर, ये वाला जो आपने लिस्ट बनाई है, ये एज इट इज हम फ्लटर, अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हैं। सर? ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता इस तरह की लिस्ट को। करता है वो, मैं बताता हूँ वो किस तरह करता है। पॉलिटिशियन लिखा, अब मुझे नहीं पता स्पेलिंग सही है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करके देखता हूँ मुझे ये पर्सन्स की लिस्ट में क्या मिलता है। तो उसने क्या बोला, इंस्टेंस ऑफ क्या है, ये पर्सन्स है। ठीक है, उसने मुझे और कुछ नहीं बताया। अच्छा, यहाँ पे मैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं करके देखता हूँ, इसका इंडेक्स 0 डॉट यूजर डिटेल प्रिंट। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, द एक्सप्रेशन वॉइड सो इट कांट बी वैल्यू। ओ यार, इसके अंदर हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक मिनट इसका भी सोल्यूशन निकालता हूँ, एक मिनट, ये इसको मैं कॉमेंट आउट कर दूं। इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, ये जो हमने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया था, इसको हम इस तरह यूज करेंगे, 0 डॉट टू स्ट्रिंग। वो क्या करेगा, इंडेक्स 0 पे जो मेरे पास वैल्यू होगी वो सारी कर देगा। अच्छा जी, मैं अगर सारे को टू स्ट्रिंग करके देखता हूँ, मैंने वैसे ट्राई नहीं किया, देखते हैं क्या करता है। वो जितने भी यूजर्स हैं उन सब की वैल्यू क्या कर दी उसने, प्रिंट करवा दी। ठीक है, यस सर। ये देखें, ये उसने पूरी वो लिस्ट क्या कि मुझे रिटर्न करवा दी। क्लियर है? जी सर, मतलब हम क्लियर हो अपने स्पेसिफिक डाटा टाइप बना सकते हैं, उस डाटा टाइप के हम आगे फर्दर लिस्ट भी बना सकते हैं। आप पाई के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पाई ने बोला है कि ये, मैं इसको कमिट आउट कर दूं, एक सेकंड, ये फ्लटर में हम यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल, पहले आप इस तरह यूज कर सकते थे फ्लटर में, अब आप नहीं कर सकते। इसके लिए ये, अब वार आप लिस्ट टाइप पर जाएंगे, लेट्स सपोज यूजर्स इज इक्वल टू, आप इसको करेंगे क्या नाम है, यहाँ पे इस तरह समथिंग, और इस तरह इरिटेटेबल। एक सेकेंड, में इसका सेंटेक्स देख लूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने इसको वैसे एग्जीक्यूट तो किया हुआ है। इरिटेटेबल लिस्ट इन डॉट, नहीं यहाँ पे नहीं, वो इस तरह शो करवा रहा, वार इज इक्वल टू, ठीक है ये है, यहाँ पे देख लेते हैं पर्सन, और यहाँ पे हाँ ये इस तरह। ठीक है, आप इस तरह करेंगे और इसके अंदर फिर आप पर्सन का वो वाला सेम है, यही जो हमारा डाटा है, मैं इसको पहले अनकमिट करता हूँ। ठीक है, और ये वाला डाटा मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको दोबारा कमिट आउट कर देता हूँ।
और ये वाला डाटा हम इसके अंदर पास करेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और इसको आप जो हैं आगे अब आप प्रिंट कर सकते हैं यूजर्स डॉट टू स्ट्रिंग। जी क्लियर है? यस सर। इस चीज को आप जो है फ्लटर जो नल सेफ्टी है, नल सेफ्टी के अंदर वो फिर वो ये वाली लिस्ट काम नहीं करती, वो चेंज हो चुकी है, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ऊप की कुछ हद तक समझ लगी आप लोगों को? जी सर समझ लगी थोड़ी। समरी के तौर पे रिवाइज कर देता हूं, ऊप हमारे रियल लाइफ में प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स उन पे एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कोई भी चीज हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई पर्सन है, कोई डॉग है, कोई एनिमल है, कोई कार है, कोई व्हीकल है, ठीक है। ये जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये हमारे जो हैं वो दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। किसी किस्म का? सर बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप लोगों ने आज प्रैक्टिस करनी है और ये लाजमी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इशू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी जो अगली असाइनमेंट्स है वो इस चीज़ पे ही होगी।